तो स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं डोमाल सीरीज के 2765 की जो सीरीज होती है, लोकल प्रोफाइल और जिंदल प्रोफाइल, इनमें क्या सिमिलर होता है ये आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी देशवासियों को हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे डोमाल सीरीज की लोकल प्रोफाइल के बारे में और जिंदल प्रोफाइल के बारे में, इनमें क्या सिमिलर होता है, कैसे इनको पहचान सकते हैं, इनके प्राइस, इनकी विंडो के जो प्राइस होते हैं वो कितने प्राइस होते हैं विंडो के, इनको अगर हम अपने घर में जिंदल की विंडो लगाना चाहते हैं तो कितना प्राइस हो जाता है हमारे घर में विंडो लगने तक का, यहीं पर लोकल विंडो का भी प्राइस बताएंगे, लोकल प्रोफाइल का प्राइस भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी दिखा देते हैं आपको, सबसे पहले देखिए मैं दिखा देता हूँ जिंदल की प्रोफाइल। यहाँ पर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये प्योर जिंदल का सेक्शन है जो 2765 सीरीज के लिए स्पेशली बनाया गया है। 3 ट्रैक मेरे हाथ में है अभी और इसके जो कि वजन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप जो प्रोफाइल मेरे हाथ में देख रहे हैं ये स्पेशली डोमाल सीरीज की 2765 सीरीज की ट्रैक है, 3 ट्रैक है। अब लोकल प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं लोकल प्रोफाइल, ये होती है लोकल प्रोफाइल। अब इनमें क्या सिमिलर है, देखिए आपको देखने में दोनों सिमिलर लगेंगे मगर इनमें कुछ चीजों का अंतर होता है जो कि कुछ लोग नहीं समझ पाते। सबसे पहली चीज होती है इनका जो आप ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे हाथ में अभी जो जिंदल का है ये ट्रैक जो देख रहे हैं बिल्कुल ट्रैक यहाँ से मिला हुआ होगा, इसका सरफेस से बिल्कुल मिला होगा। इधर का जो एरिया होगा ये वाला एरिया लोकल और जिंदल का बिल्कुल सिमिलर होता है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो ये वाले जो एरिया होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। अब नीचे की जो प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके की 4 लाइनिंग आपको नजर आती है, ये देख सकते हैं, तो 4 लाइनिंग इनमें नजर आती है। लोकल में उस तरीके का कोई भी लाइन नहीं होता, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो देख सकते हैं सबसे पहला जो फर्क होता है ये वाली चीज होती है, यहाँ पर ये वाली चीज होती है, ये लाइनिंग नीचे तक सरफेस से मिली हुई नहीं होती। हालांकि जिंदल का और लोकल का सरफेस बिल्कुल सेम होता है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। ये बाहर की तरफ जो विंडो लगती है ये बाहर की तरफ एरिया जो रहता है उसका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों में देखने में आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा, कोई भी इसमें किसी भी तरीके का कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। अभी बात करेंगे इसके जो कि वेट वगैरह की, तो यहाँ पर जो कि ये लोकल सेक्शन आपको 18 गेज से स्टार्टिंग हो जाती है, 18 गेज में आपको मिल जाता है लोकल सेक्शन। यहीं पर अगर 18 गेज के सेक्शन में इसमें वजन की बात करें तो लगभग आपका 5.5 से 5 किलो के आसपास इसमें वेट आ जाता है। यहीं पर अगर जिंदल के सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो इसका वेट स्टार्टिंग हो जाता है 16 गेज का, ये सेक्शन आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। अभी इस सेक्शन की बात करें तो 16 गेज में इसका जो वेट हो जाता है 6.5 किलो की एक लेंथ, 6.5 से 7 किलो की एक लेंथ आपको मिलेगी। यानी कि अगर इस तरीके की प्रोफाइल का आप, जिंदल की प्रोफाइल का आप अपनी विंडो में इस्तेमाल करते हैं तो आपको 6.5 से 7 किलो की एक ये लेंथ हो जाती है। यहीं पर लोकल की मैंने आपको बताई थी, लोकल की जो प्रोफाइल होती है, ये वाली जो प्रोफाइल होती है इसका जो वेट हो जाता है 5 किलो से 5.5 किलो की एक लेंथ हो जाती है, 5-800 तक भी पहुंच जाती है। जो ज्यादा हल्की होती है वो 4 किलो 800 या 5 किलो की एक लेंथ हो जाती है। तो इतना इनमें सिमिलर अंतर होता है, मतलब ये थोड़ा इसमें ज्यादा अंतर होता है ये वाली जो प्रोफाइल होती है, ये जिंदल की आप देख सकते हैं। थोड़ा समझने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप अगर समझेंगे इस चीज को तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग नए मार्केट में उतरते हैं, अपने घर में विंडो लगवाते हैं तो देखिए जिंदल में ये फर्क होता है, जिंदल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिनिशिंग अच्छी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं फिनिशिंग अच्छी होती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जिंदल में नहीं आती। हालांकि लोकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेम सरफेस आपको मिल जाता है लोकल में भी, मगर क्या होता है कि देखिए लोकल का थोड़ा सा रेट डाउन होता है, जिंदल का रेट 30 से 35 रुपए थोड़ा तेज होता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है सेक्शन, हालांकि वेट भी इसका थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है। यहीं पर इनके दिखाते हैं लोकल जो कि हमारे जो प्रोफाइल होते हैं बिल्कुल सिमिलर होता है, इनमें किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होता, जो कि हमारे पल्ले के जो सेक्शन होते हैं इनमें किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होता। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे हाथ में लेफ्ट हाथ में है वो बिल्कुल ये जिंदल सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे हाथ में जो है लोकल सेक्शन है। अब लोकल सेक्शन को देखेंगे इसमें थोड़ा सा अंतर आपको नजर आएगा, थोड़ा हल्का होता है, हालांकि इसमें भी 16 गेज आपको मिल जाएगा, जितनी क्वालिटी चाहेंगे जैसा पैसा डालेंगे वैसा इसमें लोकल में भी मिल जाता है, हैवी मिलेगा
16 गेज मिलेगा, 14 गेज मिलेगा, जो चाहते हैं वैसा सेक्शन इसमें मिल जाता है, बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिंदल की देखिए प्रोफाइल फिनिशिंग एक नंबर की फिनिशिंग होती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। विंडो बनने के बाद एक नंबर दिखाई देती है, बहुत अच्छी इसकी विंडो लगती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लाइफ टाइम में टिकाऊ होता है, सरफेस के लोकल के मुकाबले सरफेस काफी ज्यादा चिकना होता है, सॉफ्ट होता है। तो पाउडर कोटिंग अगर बात करूं तो मैंने इस पर भी पाउडर कोटिंग हुआ है, इसको एनोडाइज कर सकते हैं किसी भी तरीके की, मतलब करके आप अपने घर में लगा सकते हैं। अभी जिंदल में बात कर लेते हैं, विंडो का प्राइस जो होता है जिंदल में, यहीं पर अगर अपने घर में आप 6x6 की विंडो लगा रहे हैं तो लगभग 650 फिट जिंदल की विंडो बनाई जाती है। जो सेक्शन मैंने आपको दिखाए थे बिल्कुल इसी सेक्शन में 16 गेज में, यहीं पर लोकल की अगर बात करें तो लोकल 550 में आप बनवा सकते हैं 6x6 की विंडो, 550 रुपये स्क्वायर फिट में आप जो कि लोकल की विंडो बनवा सकते हैं। यहीं पर जिंदल की मैंने आपको बताई 650 में आप एक अच्छी विंडो 6x6 की, जो कि लाइफ टाइम होगी, किसी भी तरीके की कोई झंझट नहीं, सेक्शन हैवी होते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। तो दोस्तों प्राइस की अगर बात करूं तो जिंदल लगभग 30-35 रुपये थोड़ा तेज रेट हो जाता है, और लोकल की अगर बात करें तो 30-35 रुपये थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि कम होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वारीज करना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी मिल जाता है, तो मेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। जय हिंद जय भारत।